हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं जो आपको ब्लड बैंक से रिलेटेड एक एमसीक्यू बताने वाला हूँ, ये आपके रेलवे के जो सुपरिटेंडेंट का लास्ट टाइम एग्जाम लगा था उसके अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन देयर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन द ब्लड बैंक, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपके ब्लड बैंक के अंदर क्वालिटी कंट्रोल में इंक्लूड नहीं होता, यानी कि ब्लड बैंक के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करते हैं उसमें उसका जो है यूज नहीं होता। जैसे पहला आपको दिया है, वर्किंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर, सेंट्रीफ्यूज एंड वाटर वॉथ शुड बी चेक्ड पीरियोडिकली, यानी कि आप जो रेफ्रिजरेटर, सेंट्रीफ्यूज और वाटर वॉथ है उनकी वर्किंग को जो है टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात सही है कि आपको जो है कंटिन्यूसली जो है क्वालिटी मेंटेन करके रखनी होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ऑल द रिएजेंट्स, दूसरा ऑप्शन है आपके, ऑल द रिएजेंट्स शुड बी क्लियर विदाउट टर्बिडिटी, यानी कि आपके जो ब्लड बैंक के यूज होने वाले रिएजेंट्स हैं वो उनमें किसी भी प्रकार की टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली ये दोनों बातें सही है। ठीक है, देन इसके बाद आपको कहा है, रिकॉर्ड ऑफ द वैलिडेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टाफ रैंकिंग प्रोसीजर शुड बी मेंटेन, यानी कि आपको जो है रिकॉर्ड का वैलिडेशन, क्वालिटी कंट्रोल और साथ ही साथ स्टाफ की रैंकिंग जो प्रोसीजर है, यानी कि जो उसकी ग्रेड है जिसके अकॉर्डिंग हम जो है स्टाफ को हायर करते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीटली उनका डेटा जो है वो आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। ये भी बात आपकी सही है। ठीक है, देखिए चौथा ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या दिया था, आर एच ओ और डी एंटीजन शुड बी चेक्ड फॉर ओनली पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, आपको ये देखा गया है कि जो आपका एंटीडी जो मतलब आपका एंटीजन है आप जो ब्लड ग्रुप के अंदर लगाते हो उसका केवल पॉजिटिव कंट्रोल ही हमारे को चेक करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें जो ओनली वर्ड है वो आपको इसको गलत कह देता है, क्योंकि हमारे को पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल दोनों लेकर के चलने होते हैं किसी भी टेस्ट की परफेक्शन को चेक करने के लिए। ठीक है, हम केवल ओनली पॉजिटिव कंट्रोल के बेसिस पे जो है हम जो है रिजल्ट्स को एकदम परफेक्ट नहीं मान सकते। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है कि नॉट इंक्लूड इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द क्राइटेरिया ऑफ द ब्लड डोनर, यानी कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है जो ब्लड डोनर के लिए जो है अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन मोर देन 12.5, आपका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम पर डेसिलीटर से ज्यादा होना चाहिए, सही बात है। एज बिटवीन द 18 टू 50 ईयर, ये भी बात सही है। मंथली ब्लड डोनेशन अलाउड नहीं, 3 महीने के जो है 3 मंथ के अंदर आपको ब्लड डोनेशन करना होता है, इससे पहले आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और चौथा है आपका वेट मोर देन 45 kg, ये चीज आपको सही मिली, तो इसका मतलब आपका ब्लड डोनेशन में कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, ये वाला आपके जो है फुलफिल नहीं हो रहा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ द एनीमिया, ल्यूकोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज कॉल्ड, यानी कि आपके कंटिन्यूसली किसी पेशेंट के अंदर एनीमिया देखने को मिल रहा है, मतलब ब्लड की कमी है, ल्यूकोपेनिया है यानी कि WBC का नंबर जो है कम है। ठीक है, एनीमिया का मतलब क्या है, ब्लड जो है वो कम है। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से हो सकता है या RBC की वजह से हो सकता है। ल्यूकोपेनिया यानी कि WBC कम है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि जो आपकी प्लेटलेट है वो भी क्या है, कम है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन जो है उसको पैनसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब आपका सेल का साइज बड़ा हो गया, मेमेलाइटिक एनीमिया मतलब हीमोलिसिस बढ़ गया, और सिकल सेल एनीमिया के मतलब RBC का सेप सिकल सेप्ड हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन हम मैथमेटिक्स रीजनिंग वाला भी देख लेते हैं जो आपके लैब सुपरिटेंडेंट में पहले पूछा हुआ है। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, द गर्ल स्टैंड ऑन द लॉन फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन, she turned 45 degree clock in clockwise direction and then 135 degree in the anti-clockwise direction, the direction of the face of the girl। अब हमारे को क्या करना है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एक जो है लड़की है जो कि साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ी हुई है, वो जो है अपने अपने आप को 45 डिग्री पहले जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, देन उसके बाद जो है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। तो अब जो है उसकी एक्चुअल जो है डायरेक्शन बतानी है कि अब इसके बाद जो किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसका आंसर कैसे करेंगे, देखिए इसमें हमारे को सबसे पहले तो डायरेक्शन मान लेनी है, जैसे कि ये आपका डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब जैसे सबसे पहले कहा, ये जो है सपोज मान लो यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है इस जगह, ठीक है, अब इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, पहले साउथ साइड में, अब ये कह रहा है कि ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव कर रही है, यानी कि ये क्या है आपका जो घड़ी की दिशा होगी वो ये वाली होगी। ठीक है,
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली होगी, तो अल्टीमेटली ये क्या करेगी, यहाँ से मूव करके ये 45 डिग्री मूव कर चुकी है। अब इसकी डायरेक्शन में जो आपकी क्या होगी, डायरेक्शन ये वाली होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि 135 डिग्री आपको जो है क्या करना है, एक डायरेक्शन चेंज करके और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। तो पहले ये यहाँ पर थी, अब ये 135 डिग्री आपके घूमेगी, तो अल्टीमेटली क्या है कि ये 45 हो गया और आपको जो है ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा 90 का, तो 90 और 45 को ऐड कर लें, ठीक है, तो क्या हो गया 135 हो गया। तो अल्टीमेटली ये क्या है, अब ये डायरेक्शन से घूम करके कहाँ गई, इधर आ गई। तो अपने को डायरेक्शन पता करनी है, तो किस डायरेक्शन होगी, यानी कि वो जो लड़की है वो अब नई डायरेक्शन जिसमें होगी वो क्या होगी, ईस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो आपको इसमें डायरेक्शन दी हुई थी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस डायरेक्शन में होगी, तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले